बहुत अडोरेबल चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं आप। जी जी सही। हम लोगों ने भी आपको इनफैक्ट जब अपनी उम्र में आपको देखा तब छोटे थे तब आपको चाइल्ड आर्टिस्ट का वो करते देखा तो ये लगा कि एक बच्चा किस उम्र में इस कदर भावनाओं को सेंटिमेंट्स को इतना तेजी से पकड़ रहा है, इतनी गहराई से पकड़ रहा है, क्या कुछ खासियत कुछ खास वजह थी उसकी कि आप कितने मतलब वो आंसू ला। वो एक ऐसा गम का दौर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना सब परेशान हुए, उस परेशानी में हम भी शामिल थे, तो जो दर्द दिल में था वो आंखों से छलका, वो नेचुरल में रोता था बगैर ग्रीसिंग। तो वो क्या है कि इंसान को जब वो नवाजता है तो उसको कीचड़ में डाल के कंवल बना देता है, तो ऐसी कैफियत थी जो जाहिर हुई चेहरे पर, आंखों से, आवाज़ में, ख्यालात में। और फिर उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते करते दो बीघा ज़मीन, हम पंछी डाल के आर पार, ये होते होते भादी में चली चली रे पतंग मेरी चली रे, बरखा के साथ अपना गंदा के साथ वो पहला रोमांटिक रोल था, और उसके बाद फिर बरखा में हीरो आया मैं गंदा के साथ ही था, और उसके बाद फिर ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का वक्त ख़त्म हो गया था, तो मेरी फिल्में जो हीरो की थी वो 3-4-5 ब्लैक एंड वाइट थी, तो वो चली नहीं, वो नहीं चली। तो फिर मुझे बिमल रॉय का एक जुमला याद आया, क्योंकि मैं एक फिल्म धोबी डॉक्टर में रोने का सीन कर रहा था, छोटा किशोर कुमार, मेरे साथ में आशा पारिक थी, तो रोने वाला सीन देखकर रशेज में उन्हें कहा कि जी इस लड़के को मैं लेना चाहता हूँ धोबी का ज़मीन में। अब धोबी का ज़मीन में फ़नी रोल था, कॉमेडियन का रोल था वो। जब शूटिंग काफ़ी आगे निकल गई और मैं घुल मिल गया उससे, तो मैंने पूछा दादा मैं आपने मेरा रोने वाला सीन देखा था, तो फिर आपने इस कॉमेडी सीन में कैसे मुझे पसंद कर लिया। कहने ये देखो जगदीप, जो बहुत अच्छा रुला सकता है वो बहुत अच्छा हंसा सकता है, क्योंकि उसका जो सेंस होगा मजाक का वो बहुत वो नहीं होगा, सतही नहीं होगा, उसमें डेप्थ होगी। तो वो जब वो हंसेगा तो सारी दुनिया हंसेगी उस चीज़ में, जब उसको अच्छा लगे हंसने की तमन्ना होगी तो बहुत गहरा होगा वो। तो जब वो हीरो की फिल्म्स नहीं चली तो उनके ये जुमले याद आए, तो मैंने कहा ठीक है कॉमेडी की तरफ काम करते हैं क्या हर्ज है। तो ब्रह्मचारी का ऑफर मिला, शमी का भी हीरो थे उसमें और इनकी सिप्पी की फिल्म थी जिन्होंने बाद में शोले बनाई, तो इस तरह से ये सफ़र चलता गया, शोले तक आया, उसके आगे बढ़ा और तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था वो। लेकिन सर आपका वो भी कमाल था, मतलब इतनी अच्छी सी टाइमिंग और इतना जबरदस्त, मतलब याद है शोले याद है तो सुरमा भोपाली। सही 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 बात है, असल में उसमें एक बड़ी एक कहानी छुपी हुई है। सलीम जावेद जो थे, एक फिल्म थी सरहदी लुटेरा, उसमें सलीम हीरो थे और वो ही मेरा कॉमेडियन का चल रहा था दौर, उसमें जावेद भी तीसरे असिस्टेंट थे। तो सीन बहुत लंबा था, तो मैंने डायरेक्टर से कहा सागर सरहदी, मैंने कहा बहुत लंबा सीन है बहुत ज़्यादा लंबा है, कह नहीं जावेद के साथ बैठ जाऊँ ये दिखता है कुछ, तो बैठा मैं तो उसने दो पेज को कम से कम आधे पेज में किया और बड़ा क्रिस्प करके कुछ जुमले शामिल कर दिए। तो मैंने कहा तो बहुत काबिल हो तुम तो, और उन्होंने उस वक्त मुझे बताया नहीं कि जानेसार अख्तर के बेटे हैं वो। बहरहाल हम मजाक करते रहे, शाम को बैठे गपशप करते रहे, उसमें ये भोपाली जबान उन्होंने बोली, मिमिक्री भी करते थे वो। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है, मैंने आज तक सुनी नहीं है, भोपाल से लोग आते हैं लेकिन ये जबान। उन्होंने कहा ये जबान औरतों की जबान है। तो मैंने कहा मुझे सिखाओ यार, तो हम बात करते रहते थे उसी जबान में, तो मुझे याद हो गई वो, मेरी मुंह पर चढ़ गई वो भाषा, उसका पन वो टोन। तो फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई फूल और क्या पता नहीं थी, तो उन्होंने चाहा कि जगदीप को लें, मगर वो फिर क्या हुआ कि उसमें बड़ी कास्ट चाहते थे, तो उस रोल में प्राण साहब ने वो काम किया, बन्ने खां भोपाली का। तो फिर ये शोले फिल्म बनी, शोले बन के ख़त्म भी हो गई। उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया कि हम एक्ट करना चाहते हैं आपका, वो सुरमा भोपाली का एक रोल, दो सीन है आपके
गेस्ट आर्टिस्ट में किया मैंने, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर वो जो याद आया मुझे तो उसी तरह मैंने उसको बोला है, इसलिए वो बहुत खूबसूरत हो गया। मतलब दो सीन थे लेकिन पूरी छाप डाल दी पूरी। हाँ दो ठीक है ना, पर वो क्या होता है कि शतरंज का हर मोहरा अपनी जगह पर अहमियत रखता है, वो किस तरह चले तो उसका मजा आता है, और लिखा गया था अच्छा तो हुआ भी अच्छा, ये सब इस तरह हुआ। सर एक गाना है बहुत अक्सर गुनगुनाया जाता है, बड़ा मशहूर है, मदरसी से मतलब है, वो जब मैं हीरो था सर, वो उसमें आपको देख के तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि वो गाना सुना करते थे, और उस गाने में जब देखा कि जगीत साहब है तो मतलब एक अजीब सी खुशी सी महसूस हुई जब ये इन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेने जाएंगे, तो मतलब मैं भी साथ चलूंगा। ये गाना तो मैं ये गाना इतना अच्छा गाया रफ़ी साहब ने, उन्होंने तीन गाने, बहुत से गाने गाए हैं मेरे, मेरी तीन उम्र के साथ उन्होंने आवाज़ बदली। जैसे वो था हम पंछी एक डाल के में गाना था, तो उन्होंने गाया हम पंछी एक डाल के, उसके बाद जब भाभी में गाना था तो गाया उन्होंने चली चली रे पतंग मेरी चली रे, जब पास बैठो तबीयत बह जाएगी, उन्होंने जब मैं पूरा हीरो हो गया था तो हाँ तब उन्होंने कहा गाया पास बैठो तबीयत, वो इस तरह से उन्होंने तीन मेरी उम्र के गाने गाए जो मुझे बहुत याद है कि वो कितना अच्छा गाते थे और कैरेक्टर के साथ चलते थे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो मिडिल एज का आप बूढ़ा हो या जवान हो, और कौन सा हीरो है पूछते थे वो, फिर वो गाते थे उसकी अदा में। सर आपको उस दर्जे का कलाकार माना जाता है जिसने स्क्रीन पर, जैसे हमारी फिल्मों में कॉमेडी उस दौर में इतनी ज़्यादा नहीं होती मतलब, लेकिन एक फुल लेंथ एक कैरेक्टर का पूरा एक जीवंत कर दिया उसको, कहते हैं ना बिल्कुल आपके सामने जो खड़ा हो वो वाले कैरेक्टर। असल में वो ऐसा था कि जैसे सर्कस में जोकर ज़रूरी होता है, वैसे एक्चुअल वो कॉमेडियन तो नहीं होता था, वो एक बाकायदा एक दूसरा हीरो होता था जो कॉमेडी करता था, वो बनाया हाँ वो साइड जो थी वो इस तरह से ली जाती थी, तो उसका अपना एक ट्रैक होता था, जैसे एल वी बरसात की पिक्चरों में खिलौना में मैं साइड में हूँ लेकिन शबनम साथ में काम कर रही है, भाई हो तो ऐसा मैं हूँ, मेरे जयश्री उसमें साथ में है, तो अलग ट्रैक चल रहा है वो, और वो भरपूर एक कहानी चल रही जिसका लुत्फ उठा रहे, गमगीन चल रही वो लेकिन बीच में वो कहानी भी आती तो उनका दिल बहलता है और हंसते हैं वो, सो वो बड़ा अच्छा पन था। और वो मतलब वो दौर था जब आपने वो किया कि मतलब एक ज्यादा कई बार कई सीन्स में ऐसा लगा कि जो सेकंड हीरो है वो ज्यादा समझदार, जिंदगी को ज्यादा नजदीक से देखने वाला, दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह से समझने वाला इंसान कुछ ऐसा। तो ऐसा था मेरे साथ में कि मैं कभी भी अपना इंडिविजुअल पन दिखाना नहीं चाहता था, वो महमूद के साथ हो गया था बाद में, पहले सही था और अलग महमूद मालूम पड़ता था, मैं कहानी में घुल मिल जाता था, उसका कैरेक्टर सच्चा बन जाता था जैसा भी है उसमें, चाहे मुझे हीरो के साथ दबकर भी चलना पड़े मगर कहानी ख़राब ना हो जाए, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ सवार हो जाऊँ या उससे बेहतर काम करने लगूँ, हाँ अगर मेरा सीन आ जाता है तो बेहतरीन है, मुझे करना पड़ेगा वैसा, और उसको हीरो को मान खामोश होना पड़ेगा, तो वो आता होती थी, तो वो फिल्में सुपर हिट होती थी, जैसे जीने की राह, खिलौना, प्रसाद जी की फिल्में हैं, और भाभी में भी कॉमेडियन का ही तरह का रोल था, तो ब्रह्मचारी में एक अलग कहानी थी मेरी चल रही थी, तो अब याद नहीं आ रही बहुत सी, हाँ तो मैं उस रोल में ढल जाता था, और वही एक अदाकार को होना चाहिए कि वो अपने आप को भूल जाए और उस कैरेक्टर में जिए, तो वो मज़ा आता है उसका, और फिर उसमें वेरिएशंस भी आते हैं, अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं ना, उनको अलग अलग तरह से किया जाए, मसलन दिलीप साहब भी हैं वो रोल के साथ ढल जाते थे, उन्होंने भी कॉमेडी की है क्योंकि वो हीरो का रोल कॉमेडियन का रोल था आज़ाद फिल्म में, तो वहाँ ज़रूरी थी, जहाँ ट्रेजेडी थी चाहिए तो वैसे बेहतरीन काम करते हैं, रोने का ऐसे ही मेरे साथ भी था, मैं अलग कैटेगरी में था, रोने का आता था रियल रोता था,
हाँ, और कॉमेडी का आता था तो वो अपनी जगह पे बहुत खूब रहता था। तो ये सब हुआ और इससे क्या हुआ कि इतना लंबा सफ़र जी पाए हम, वरना जी हाँ शुक्र है मालिक का। तो क्या है वरना भूल जाते। अब क्या हुआ है, थोड़ा सा जो कॉमेडी में तब्दीली आई है वो ऐसी है कि जैसे फिल्मों में तब्दीली आई है कि जब अच्छे जोक ख़त्म हो जाते हैं तो लोग गंदे जोक्स पर आ जाते हैं, अब उनका मैटर नहीं है, कुछ भी इधर का उधर का समेट के उसे पेश कर देते हैं भेल भाल बना के। तो उसका जो एक असली चाशनी है, उसका एक लुत्फ जो है वो बहुत कम हो गया। करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे रोल मिल जाए तो करते हैं, पर अच्छे रोल लिखे नहीं जाते, बहुत लिखने वाले कम हो गए। सर कोई ऐसा यादगार हो जो जिसने आपको पर्सनली एकदम आपके ऊपर प्रभावी हो गया हो, जिसको आप भूल ना पाए हो करने के बाद? बरखा हीरो का रोल था, वो ऑलराउंडर उसमें कैरेक्टर था, बहुत ही मैं समझता हूँ दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सर कोई एक, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है, सर किस बारे में? लोगों के साथ आपके जो मैं एक मुझे पोस्ट कार्ड आया था उसमें लिखा कि मैं मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ ऐसा है, और मैं आपको देखता हूँ हंस लेता हूँ, धन्यवाद। कोई खत का जवाब नहीं मांगा, ना अपना पता लिखा, ऐसा गुमनाम वो खत, शुक्रिया का प्यार भरा। मैं सोचता था कि काश उसका पता होता तो मैं उसे जवाब देता ज़रूर, वो इतना दुखी था शायद मैं उसे कुछ मजाक लिखता उसके लिए। तो वो मेरे लिए बहुत एक हाउंटिंग याददाश्त थी। फिर वो कहाँ चले गए होंगे, वो कौन साथ थे वो। तो ऐसे भी लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं जो गम भरे जीवन को जीते हैं, लेकिन कोई हंसाता है तो उनको एक पोस्ट कार्ड भेज देते हैं। इतने अच्छे सिनेमागर हैं हिंदुस्तान के, जो फिल्म बनाते हैं उतने वो कदर नहीं करते उनकी, वो बहुत कदर करते हैं चीज़ों की, चाहे वो छोटी सी हो, अगर अच्छी है तो वो पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में हर तरह का सिनेमागर है, आप की आर्ट पिक्चर भी देख सकते हैं, उतने भी पब्लिक हैं, मगर आप परफेक्ट बनाइए। जैसे वो भूल पिक्चर आई थी अभी, या जैसे वो उसामा के ऊपर कॉमेडी बनी थी, तो अगर वो परफेक्ट है, छोटी सी फिल्म है, बट दे विल अप्रिशिएट, आपको वो कहना आना चाहिए। आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म रही है? दिल के करीब बहुत सी फिल्में हैं, ऐसी नहीं है बरखा, लेकिन ख़ास फिल्म थी, और भाभी, वो उस जैसी कहानी तो आई नहीं कभी। और फैमिली की वजह से या कुछ और आपको लगता है उसमें? नहीं, कहानी की वजह से, उसके जो कैरेक्टर थे हिंदुस्तान के फैमिली के सच्चे कैरेक्टर थे। जब वो फिल्म लगी तो हम लोग प्रीमियर में गए तो पूछने लगे फिल्म के जो काम करने वाले लोग थे पब्लिक से कि कैसी फिल्म लगी, तो कुछ जवाब नहीं दिया, वो चले गए। दो तीन दिन उन्होंने पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, पब्लिक चली गई। तो मैं मद्रास में रहता था उन दिनों, तो मैं भी प्रोड्यूसर के साथ एवी मैयप्पन चटियार और डायरेक्टर कृष्ण पंजुम के साथ वापस चला गया। एक हफ्ते के बाद मालूम पड़ा कि वो तो हाउसफुल हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा उसका। तो क्या वजह थी मालूम किया, तो लोग उस पिक्चर को देखकर स्पेल बाउंड हो जाते थे कि ऐसा है हमारा जीवन, ऐसा जीवन हमको फैमिली की ओर जीना चाहिए हिंदुस्तान में, ऐसा दामाद होना चाहिए, ऐसी भाभी होनी चाहिए, ऐसा भाई होना चाहिए। दैट वॉज वंडरफुल मूवी। सामने मदर इंडिया लगी थी कलर फिल्म, उतनी ही भाभी चली ब्लैक एंड वाइट, बल्ला सहनी थे, तो उस कहानी की वैल्यू थी जैसे मदर इंडिया में कहानी की वैल्यू थी। सो वो ब्लैक एंड वाइट थी तो परवाह नहीं, वो भी उतनी ही चली, आमने सामने लगी थी फिल्में। अच्छा, आप ये हीरो के बाद जो ये हास्य कलाकार वाला एक जो चेंज आया, कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही थी, आपने मतलब मुख्य कलाकार के रूप में हीरो के रूप में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, फिर आप इधर और इसमें आप आए, तो इसमें भी आपने बहुत लाजवाब काम किया, तो इसके बीच का जो अंतराल था उसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे? नहीं, एकाएक शिफ्ट नहीं हुआ, थोड़ा मैं इंतज़ार करता रहा,
फिर वो फिल्में नहीं चली ना ब्लैक एंड वाइट मेरी एज ए हीरो अमिता के साथ में और कौन कौन आर्टिस्ट सब थे कुमकुम के साथ में, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने कहा एक साल इंतज़ार किया कि शायद कोई हीरो का अच्छा करेक्टर आए, फिर समझ में आया कि नहीं मैं तो कलाकार हूँ कॉमेडियन के रोल में आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस कला को, मैं समझता हूँ उस कला को, वो मैं आ गया। मुझे ऑफर आया ब्रह्मचारी वही शोले वालों की, उनसे कुछ मेल जोल भरा रहा है कुछ पता नहीं कब का, उनकी पहली फिल्म में भी था मैं सजा में, आई वॉज एक्स्ट्रा था उसमें। फिर उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी शहनशाह कामनी कौशल को हीरोइन लेकर, तो मैं उसमें पंखा जल रहा था, एनेस्थेटिक वीकली में वो आया था, बहुत दिन मैंने वो पर्चा रखा अपने पास में, तो कुछ इनसे कुछ ऐसा जुड़ा चला गया सिलसिला जो शोले तक पहुँचा, ऐसा होता है कभी। जी हाँ बड़ा अच्छा रोल था, बहुत बहुत से आप जब तक आप थे जी, एक सीन उन्होंने मिस नहीं किया हो, जैसे आप समझिए कि जैसे पूजा करते वक्त लोग चावल लेके हाथ में बैठते ना, खत्म हुई कहानी तो वो स्वाहा किया उन्होंने, वो उस तरीके से बिल्कुल एकदम बहुत गौर से, और उस समय बोलने की मनाही थी, फोन की मनाही थी, आने जाने की मनाही थी, कुछ मत बोलो उनको भी, क्योंकि उसमें जगदीप जी दिखाई देते थे, वो छोटे पर्दे, वो क्या है कि वो पुराने लोग थे और वो असलियत को पहचानते थे, इसलिए उनका अमल ऐसा हो गया। तो जो मैंने काम भी उसमें किया है, कोई सीन जो रोने का किया है, वो असली आंसू भल 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 गिरे हैं, सच मानो में गिरे हैं। मैंने महसूस किया उस बच्ची को, ये फुलवा ऐसी है, इसका जीवन कैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, और बिल्कुल मैं ढल गया उस करेक्टर में, बुधिया का जो रोल मैं बिल्कुल ढल गया, भूल गया कहीं कि जगदीप है, नहीं वो बुधिया है। तो ऐसे ही फिल्मों में भी किया था मैंने, तो इसके लिए वो दिल से जोड़ा बात निकलती है, असर रखती है, वो नहीं ताकत परवाज मगर रखती है जी। तो वो कैफियत थी जो आपकी वालदा पर तारी हुई, वो दिल की आवाज़ सुन रहे थे वो लोग, दिल की आवाज़ सुनने वाले भी तो चाहिए ना जी। ये सुरमा भोपाली कैसे आपके दिमाग में आया, ये मैं बताया ना वो कहानी थी, फिल्म जो आपने बनाई फिल्म जो, हाँ वो चूँकि लोगों ने कहा मैं फिल्म बनाना चाहता था, उसका नाम टाट का पर्दा था, वो एक गमगीन कहानी थी, पर लोगों ने कहा नहीं आप कॉमेडियन हैं, फिल्म कॉमेडी की बनाई, तो मैंने सोचा सुरमा भोपाली कर, तो उसमें कहानी तो कुछ थी नहीं, लेकिन अच्छी चली थी, जी बहुत अच्छी चली, लोगों ने पसंद किया, हंसने वाली फिल्म बनी और दे एंजॉयड। उसके बाद फिर आपने भी सोचा, फिर मैं उसके बाद फिर काम में मसरूफ हो गया, अपने रोल्स में कैरेक्टर्स आने लगे, चलता गया, चाइना गेट भी हुआ, लज्जा भी हुई, हाल की फिल्मों में, हाल की तो नहीं काफ़ी हो गए, दो चार पाँच साल हो गए उसको भी, अब भी राजकुमार संतोष साहब की फिल्म में जिन्हें लाहौर नहीं देखा उसमें अभी डर होगा, और एक दो और हैं अच्छी फिल्में, अच्छे रोल भी आए हैं, चूँकि क्या है कि मुझे जब देखना चाहते हैं लोग तो वो वैसे ही देखना चाहते हैं कि जैसा मैंने कभी किया था, अब वो मैं अल्तू फालतू रोल नहीं कर पाऊंगा, अगर अच्छा आता है कोई तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें शामिल हो जाऊँ। सर खाली वक्त में आप क्या करते हैं, मिलना तो मुश्किल है आप जैसे कलाकार को, नहीं नहीं ऐसी कोई बात, खाली वक्त में क्या है मेरी दूसरी बीवी से एक बेटी है, मेरी बेटी नहीं हुई थी, तो मैं दिल लगा के अब वो 17 साल की हो गई है, वो म्यूज़िक लिखती हैं, डिज्नी की फिल्मों की डबिंग करती हैं, तो उनको देखकर जीने में बहुत अलग लुत्फ है, वो लड़की का जो पनपना होता है ना वो मेरे मिजाज में, वो एक माँ होती है, तो मुझे मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मुझे उसमें मेरी माँ दिखाई दी कि ये माँ बनेगी तो मुझे मैं माँ की तरह ही देखता गया और उससे खेलता गया, तो वो मेरा खाली वक्त में ये बहुत खूबसूरत सफ़र था जो अब जाके एक एक मंजिल तक पहुँचा है जी। सर पढ़ने वढ़ने का भी शौक है आपको, आप शेर भी बोलते हैं, नॉवेल वगैरह, हाँ ये सब मैं बचपन से पढ़ता था, मैं मुंशी प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र
और ख्वाजा मल अब्बास, सिंह बेदी, ये सब उनको, शौकत थानवी, वो लिटरेचर मैंने पढ़ा है मिंटो जी, वो बचपन से ही मैं पढ़ता गया। जैसे होता ना किसी के पास भी आज काम नहीं है या अभी कुछ नहीं, मैं रातों में पढ़ता था तो लोग शूटिंग करके आता था, रातों में पढ़ता था चार चार बजे सुबह तक, तो क्योंकि उसमें बहुत कुछ था पाने को जी, और उसका फायदा हुआ कभी। अच्छा आपको लगता है कभी कि अगर आप एक्टर ना आए होते या इस लाइन में ना आए होते तो कुछ और था कभी, कभी ऐसा कुछ ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मंजिल अपने आप बोलती गई, मैं चलता गया। वैसे तो मेरे फादर बैरिस्टर थे दतिया में, जो राजा थे उनके दौर में, तो सोचता मैं कि मैं बैरिस्टर बनता, ये होता, तो हालात वैसे नहीं बने जी। तो जैसे कुदरत ने बनाए हैं उसके साथ चल पड़े, साथ आप कोई हर्ज नहीं था, बहुत अच्छी मंजिल थी जिस पे चल पड़े और बहुत खूबसूरत राही साथी मिले जी। गुरुदत्त जी, महबूब खान उनके साथ काम किया, एल बी प्रसाद और सब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे आलिम डायरेक्टर थे गुरुदत्त जी, विमल राय। तो उस सफ़र में वो जो 50s 60s का जो दौर था वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का दौर था, 50s 60s का गोल्डन एरा जो था, तो मुझे उसमें चलने फिरने का, तैरने का मौका मिला और उससे बहुत कुछ पाया मैंने। किसके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? सबके साथ, सबके साथ, अपने अपने अंदाज में सब बेहतरीन थे। महबूब खान उनके साथ काम किया, आवाज़ पिक्चर थी उनकी, ज़िया सरदारी बना रहे थे पर पाकिस्तान चले गए, तो आधी उन्होंने कंप्लीट की, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मदर इंडिया की मेकिंग देखी मैंने उस दौर में, और गुरुदेव जी का उनका खुद का अपना प्रोडक्शन था आर पार, पहला उनका पहला प्रोडक्शन, तो उसको थ्रू आउट उनके साथ मैं क्लीडर था, वो ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे गाड़ी में ले जाते थे अपने साथ माहिम से आर के स्टूडियो तक, तो और फिर विमल दादा के साथ में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग थे वो कि आसिफ के साथ काम करने का मेरा मौका मिला, लैला मजनू बन रही थी उसमें बचपन के रोल। विमल दादा हम गए थे दो दिन ज़मीन की शूटिंग में, थर्ड क्लास में गए थे कलकत्ता या सेकंड क्लास था याद नहीं आया। तो जब फिल्म हिट हो गई तो दादा ने कहा मुझसे, विमल दादा ने, कि मेरी फिल्म में गेस्ट आर्टिस्ट करोगे? मैंने कहा दादा क्या होता है गेस्ट आर्टिस्ट, यानी मेहमान कलाकार, जैसे मीना कुमारी ने गाना गाया दो बीघे जमीन में। अरे मैंने कहा आपके बच्चा हूँ मैं, आप हुक्म कीजिए क्या करना है, मेहमान कहाँ, मैं आपका घर का हूँ। तो कहना अच्छा नौकरी फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो कलकत्ते जाने हैं, तो कभी हवाई जहाज़ में बैठे हो? मैंने कहा नहीं दादा, हवाई जहाज़ में बैठ के चले। तो उनको मालूम था ना कि थर्ड क्लास में आया था, हवाई जहाज़ में अपने साथ लेके गए। वो एक सीन था गेस्ट आर्टिस्ट किशोर कुमार के साथ, मैं पॉलिश कर रहा हूँ मैं, वो लल्लू उस्ताद, उसका जब पैकअप हुआ तो एक लिफाफा दिया विमल दादा ने, तो फिर मैं उसको खोल के देखा, उसमें 2000 रुपये के नोट, जबकि पूरी फिल्म का एग्रीमेंट, दो बीघे ज़मीन का पूरी फिल्म का एग्रीमेंट 250 का था, बल्लास जी का 5000 का एग्रीमेंट था पूरी फिल्म का, बहुत छोटे बजट पर फिल्म बनी थी, लेकिन जब खुशियाँ आती थी तो वो बांटते थे, वो 2000 के नोट बड़े बड़े उन्होंने। बहुत बहुत आपने इतना टाइम दे दिया, शुक्रिया, आप आए, मुझे प्यार किया मुझसे, और आप काबिल लोग हैं, अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू बयान करके। अपनी माता जी से मेरा प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस तरह देखा, क्योंकि इस तरह देखने वाले भी नहीं मिलते। नहीं, हम लोग तो दरअसल आपको हमेशा पसंद करते आए हैं। जो पसंद करते हैं पसंद करते हैं, एक चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। जैसे सर हम लोग आर्टिस्ट फैमिली के रहे हैं तो एक ये शुरू से एक ये कुछ कुछ मूड में भी आता है और कुछ बताया भी जाता है कि फला की फिल्में देखो, फला की बातें सुनो, फला का इंटरव्यू आ रहा है तो खामोश हो जाओ मत बोलो, या फला की फिल्में मत देखना, या अगर किताबें भी पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन फिल्म मैगजीन पढ़ रहे हो तो किसके बारे में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों पर नज़र रखे। बहुत ही ऐसे आर्टिस्ट थे जो जिनमें आप देखी मतलब हाँ ठीक, मैं कभी भी गंदे डायलॉग नहीं बोले, नहीं बोले आपने, तो मजाक आपका पुख्ता है ना, छिछोरे मजाक पे क्यों आया? तो इसके लिए फैमिली के लोग बहुत पसंद करते थे, लाइन्स क्लब के बहुत अवार्ड मिले जो लेडीज ने दिए।
जबकि उस समय और भी कलाकार थे जो कॉमेडियन थे, लेकिन वो मुझे वो उनकी पसंद थी, ये फैमिली का ये आदमी लगता है, भाई लगता है, फैमिली ये लगता है, हाँ अपने में का कोई इंसान है, ऐसा घरेलू इंसान है, और ऐसा था ही मैं बचपन से, ऐसी परवरिश मेरी माँ ने की थी मेरी। अच्छा इधर अब दौर बड़ा ख़राब हो गया है जो कॉमेडी का है दौर, अब क्या कहें, बस वो इतनी भीड़ भाड़ शोर है, रात की महफिलें हैं, रात को कहानियाँ बनती हैं, रात को हंसते हैं, और उस पर हंसने का कुछ है नहीं, तो ऐसी की महफिलें बन गई हैं, तो एक अच्छाई की खराबी भी आती है फिल्म जी, वो इस दौर से गुजर रही फिल्म, लेकिन सिनेमा वापस आएगा मुझे यकीन जी, ऐसा दौर होता है कभी कभी, लेकिन आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत कदरदान हैं सिनेमा के, और दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो फिल्म को इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरह जानते और समझते जी, जी। तो वो दौर ले आएंगे, वही लोग लाएंगे, ऐसी फिल्मों को फ्लॉप करेंगे और तो कामयाब फिल्में आएंगी, जैसे कहानी आ गई फिल्म जो कमर्शियल नहीं थी मगर वो कमर्शियल हो गई,